चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम ममता बनर्जी कल बीरभूम का दौरा करेंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या हुई थी, उन पर बम फेंका गया था। उसके बाद हुई हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बीरभूम हिंसा में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन हालात यहां पर बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी कल बीरभूम जा सकती हैं। यहां पर रामपुर हाट, जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, यहां का दौरा वो कर सकती है। यहां पर एक टीएमसी नेता के ऊपर बम फेंका गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद हुई हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसको लेकर पूरे इलाके में इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे मामले के ऊपर सियासत भी गरमाई हुई है, इसको लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी ठनी हुई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से। मनोज्ञा, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत गरमा रही है, बीजेपी भी हमलावर है, मुख्यमंत्री की तरफ से डैमेज कंट्रोल में अब क्या कदम? देखिए, दो बातें हैं। पहला कि पुलिस की तरफ से यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीआईडी की टीम का गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यीय इस टीम को अब इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा गया है और जल्द से जल्द रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया। अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं रह रही है। सुबह सीपीआईएम यानी कि वाम मोर्चा का एक डेलीगेशन गया, अभी दोपहर में बीजेपी का एक डेलीगेशन जाना है, जिसमें उनके सांसद और कई सारे अधिकारी भी रहेंगे, यानी कि पूर्व अधिकारी, हालांकि उनकी राजनीतिक पकड़ है या फिर सांसद के पद पर है इस समय वो। और उसके साथ साथ कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दौरा करेंगी इस इलाके का। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है और हिंसा की गतिविधियां लगातार जारी रही हैं, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। बंगाल की तस्वीर जिसे आरोप लग रहा है कि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस समय ममता बनर्जी की सरकार की ओर से बार बार डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है। पहला ये कि इस समय सबसे पहले वहाँ डेलीगेशन भेजना यानी कि सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से टीम का गठन करना, और उसके बाद क्योंकि ये तृणमूल बनाम तृणमूल लड़ाई ही पहले तौर पर यानी कि सरसरी तौर पर नजर आ रही है, इसमें सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रशासन का की विफलता को दर्शाता है या फिर इस समय जिस तरह से लोगों की हत्या हुई है, उन्हें घर में बंद करके घर को जला दिया गया है और आई विटनेस भी अभी नदारद हैं, ये बड़े सवाल है जिसका जवाब फिलहाल राज्य सरकार को देना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने हालांकि साफ कहा है कि कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, इस पर राजनीति ना करे। जी मनोज्ञा, हमारे साथ प्रकाश सिन्हा भी जुड़ गया, उनका भी रुख करना जरूरी हो जाता है। प्रकाश, इस पूरे मामले को लेकर कल जब आप अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे आप किस तरीके से स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है, ऐसी खबरें भी निकल कर सामने आ रही है कि पलायन का सिलसिला भी वहां शुरू हो गया, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, पूरे इस घटना के बाद से ही पलायन का सिलसिला जारी है और लोग जो काफी सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं, वो गांव छोड़ के लगातार भाग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एक तरफ पलायन, दूसरी तरफ पुलिस की जांच और तीसरी तरफ राजनीति शुरू हो गई है। आज सुबह ही हमने देखा लेफ्ट फ्रंट के जो नेता हैं विमान बसु और मोहम्मद सलीम वहां पहुंचे थे, और बीजेपी का एक टीम, विधायकों की टीम, वो अभी रास्ते में है। तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच वो वहां पहुंचेगी, लेकिन पुलिस सूत्र बता रहे हैं, हमारे पुलिस के अधिकारियों से जो बात हो रही है, उन्हें गांव तक नहीं भी जाने दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जब विमान बसु वहां पहुंचे तो उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया और इसको लेकर कुछ बवाल भी हुआ। और कुल मिलाकर टीम को क्यों नहीं अंदर गांव में जाने दिया जा रहा है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने जो FIR किया है, उसमें साफ तौर पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उससे पता चलता है कि प्राथमिक जो जांच है पुलिस की, पहली जांच, पहली नजर में मामला पूरी तरह से वहां आग लगाई गई और आग लगा के हत्या की गई, ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची है जो अपना जांच कर रही है, और दूसरी तरफ राजनीतिक दल के जो नेताओं का वहां जाना जारी है, और कुछ ही देर में बीजेपी के जो विधायकों की जो टीम है, शुभेंदु अधिकारी जो है उस टीम में है, वो भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर काफी तनाव है और अलग अलग की बातें आ रही है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि साजिश हो रही है, बंगाल को तोड़ने की साजिश हो रही है, और साजिश कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री का सीधा आरोप बीजेपी और वाम दलों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कल मैं खुद वहां जाऊंगी। बिल्कुल प्रकाश, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पलटवार कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर और सरकार की छवि बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तमाम जानकारी और डेवलपमेंट फिलहाल पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए, जहां बीरभूमि को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।